एक दो दिन से आप देख रहे होंगे मेरे ब्लॉग में ना राधा दिखाई दे रही है ना शिवाय। ये फ्रूट जो है देखो ये पकना शुरू हो गया है, सारा मतलब दिन जो डिस्टर्ब हो जा रहा है। इतनी गर्मी हो रही है कि देखो पंखा चला हुआ है, तो इसलिए पेड़ लगाना जरूरी है। लगे बड़े ज्यादा है इस बारी, एक वहाँ लगाया एक वहाँ लगा हुआ है, वहाँ बीच में देख सकते हो आप। तो ये लॉजिक मेरे को समझ नहीं आया है। सभी जो बॉस है वो ही है और इनकी उम्र होगी आई थिंक 90+, लेकिन आवाज आ रही थी इधर से पता नहीं। देखो ना कि मतलब जिसकी जिंदगी बचेगी वो बच ही जाएगी, लेकिन नजदीक से वैसा ही है। पहला रन लाए चुप कहने। हाँ तू बैठी है ना हूँ। हम आईफोन 14 प्रो मैक्स देंगे भाई, अपने बताएंगे क्लैप उस सब बता रहे हैं ये तो। बोले सारा थूक मुकी आना, इतने नोट आने हैं बाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे इस YouTube चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों आज जो है, वैसे तो मैं डेली ब्लॉग जो था वो सुबह के 7 बजे या 6 बजे शुरू कर देता था, लेकिन आज जो ब्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है मतलब 10 बज गए आई थिंक सुबह के। तो आज मैं जो था वो उठने में थोड़ा लेट हो गया था किसी वजह से, मतलब रात को थोड़ा काम वगैरह भी करते रहे और मतलब TV देखते देखते जो है वो लेट हो गए। तो पिछले एक दो दिन से आप देख रहे होंगे मेरे ब्लॉग में ना राधा दिखाई दे रही है ना शिवाय, तो दोनों गए हैं नाना घर, तो अकेला था इसलिए मतलब रात को जो कभी TV देख लेते हैं ज़्यादा देर या फिर काम पे हो जाता है। तो सुबह सुबह जो आज उठने के बाद जो काम था दोस्तों वो ये था कि मतलब जो हमारे यहाँ पे फूल वगैरह हैं सारे, मतलब जितने प्लांट्स हमने लगा रखे हैं उन सभी को जो था वो पानी दिया काफ़ी टाइम के बाद। मेरी ड्यूटी थी आज, वैसे अभी देता है, और धीरे धीरे जो है ये फ्रूट जो है देखो ये पकना शुरू हो गया है। मतलब गर्मियाँ बढ़ गई हैं तो गर्मी की वजह से ये फ्रूट जो है वो ज़्यादा पकता है। और नीचे नीचे तो चलो सभी उतार लेते हैं, तो ऊपर अब ये बचा हुआ है और इसके ऊपर जो है पक्षी भी आना शुरू हो गए हैं, तो वो भी इसको छोड़ते नहीं हैं। मतलब काफ़ी पक्षी इसको खाते हैं, जैसे मतलब तोते आते हैं और भी पक्षी आते हैं। और एक तरफ जो अभी मशीन लगाई है कपड़े धोने के लिए, तो थोड़े बहुत कपड़े थे वो भी मैंने धो लिए हैं, तो अभी नहा नू के फ्री हुए हैं, अब जाएंगे पीपल। तो आज तो मतलब 10 बज चुके हैं पीपल जाने के लिए, लेट हो चुके हैं पीपल के लिए, तो फिर हम आज जाएंगे बाइक के ऊपर। तो अभी चलते हैं पीपल की तरफ और ये मशीन चलती रहेगी, आके इनको देखते हैं। इसमें अभी जूते वगैरह भी धोने हैं, मतलब सारा कुछ ही। आज धूप अच्छी है और दोस्तों अभी 10 बज रहे हैं और 10 बजे भी धूप इतनी निकली हुई है ना, इतनी गर्मी हो रही है कि देखो पंखा चला हुआ है। मतलब सुबह सुबह 6 बजे 7 बजे तक जो है ठंड इतनी होती है कि मतलब आपको बाहर घूमना है तो मतलब कुछ ना कुछ गर्म कपड़े पहनने पड़ेंगे, स्वेटर वगैरह या कुछ भी। और उसके बाद धूप ऐसी हो रही है कि आप मतलब धूप में थोड़ी देर भी खड़े नहीं हो पा रहे हो, तो ऐसा ऐसा जो है आजकल पहाड़ों का मौसम बना हुआ है। तो अभी चलते हैं पीपल की तरफ और फिर आपको मिलते हैं उसके बाद। तो अभी जो दोस्तों पूजा पाठ हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज थोड़ा लेट हो गए थे तो इसलिए ज़्यादा कैप्चर भी नहीं कर पाया, और अभी जा रहे हैं वापस फिर से घर पे। और भी काम आज जो वो पेंडिंग है वो पूरा कंप्लीट करना है, क्योंकि अगर सुबह हम लेट उठते हैं तो फिर सारा मतलब दिन जो डिस्टर्ब हो जा रहा है। तो चलो अभी चलते हैं घर की तरफ। और आज मैं आया भी बाइक के ऊपर था, क्योंकि मतलब ऐसे आने जाने में आधा घंटा लग जाता है, तो बाइक से जो है थोड़ा टाइम बच जाएगा। तो अभी चलते हैं घर की तरफ। तो पीपल से जो है दोस्तों घर पहुंच चुका हूं और धूप जो है बहुत ही तेज़ हो रही है। तो अब भी जो है कि मतलब कपड़े वगैरह तो धुल चुके हैं, थोड़े बहुत बचे हैं। अभी जूतों की बारी है, तो मतलब दोनों जोड़ी जो जूते थे वो बिल्कुल गंदे हो चुके थे कुछ टाइम से, तो आज उनको भी धोने की बारी है, क्योंकि आज जो है वैसे तो कहीं मेरे को जाना नहीं है, घर पर ही है जो भी काम है। कल हम कहीं जाने की सोच रहे हैं, कल फ्री हैं, कल का कोई काम नहीं है, तो कैंपिंग करने की या मतलब किसी यहाँ पे एक पास में बहुत अच्छी सी जगह है, बार बार मैं आपको ड्रोन से भी दिखाता हूँ, जमुना जमुना करके गांव है, तो वहाँ पे जाने का सोच रहे थे कुछ भाई लोग। तो देखते हैं अगर वहाँ का प्रोग्राम बनता है। और धूप तो दोस्तों इतनी हो चुकी है कि मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे मतलब भरपूर गर्मियाँ जब आ जाती हैं, बट थोड़ा बहुत ये है कि अगर मतलब पेड़ हैं आपके आसपास तो काफ़ी बचत रहती है, तो इसलिए पेड़ लगाना ज़रूरी है दोस्तों, पेड़ लगाने चाहिए। और करते हैं नाश्ता, नाश्ता भी अभी नहीं हुआ है, सुबह के 11 बज रहे हैं, मतलब पूजा पाठ करके अभी फ्री हुए थे। तो अभी मतलब थोड़ा बहुत जो आपको दिखाया कि साफ़ सफाई का काम चल रहा था,
तो अभी उसको निपटाना, मतलब वो साथ साथ चलता रहेगा, मतलब जूते धुलते रहेंगे तब तक हम खाना खा लेते हैं, उसके बाद हमें अपना जो एडिटिंग वर्क है वो भी करना है। तो अभी चलते हैं नाश्ते की तरफ। मतलब आज के जो हैं वो 11:30 करीब करीब हो चुके हैं, तो 11:30 बजे हो रहा है आज का ब्रेकफास्ट, तो इसको लंच ब्रेकफास्ट ही था ये समझो आप, ब्रंच। और बने हुए हैं आलू बैंगन की सब्जी है, चपाती है, और साथ में आज लस्सी आई है। तो लस्सी हमारे गांव में मिल जाती है, ऐसे मतलब गांव में ये फ़ायदा होता है दोस्तों कि मतलब जो आस पड़ोस में किसी के घर में दूध है तो लस्सी है, दही है, कुछ भी है, वो एक दूसरे में शेयर कर देते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। दूध तो चलो पेड़ ही मिलता है, लेकिन लस्सी और दही जो है ऐसे ही दे देते हैं लोग। अभी जो नाश्ता कंप्लीट करते हैं और जो थोड़ा बहुत पेंडिंग काम बचा है उसको भी निपटाते हैं, फिर तभी हम अपना काम जो कर पाएंगे टाइमली, और तभी कल होंगे फ्री घूमने के लिए। हमारी जो गौशाला है दोस्तों ये वाली, तो ये तो वैसे खाली है, इसमें तो ये पपीज ही रहते हैं और थोड़ा बहुत घास वगैरह और कचरा वगैरह रखा हुआ है। तो उसके पास ही ना क्यारी है, एक किचन गार्डन जिसे बोल देते हैं, तो इसमें लगी हुई है मिर्चियाँ। तो दोस्तों ये मिर्चियाँ जो है ना, मतलब ये लगाए होंगे पौधे कम से कम भी कोई 8-10 साल पहले, तो इनको मतलब ये बिल्कुल ही सूख जाएंगे, इनको अच्छी तरह से हम पानी देते हैं तो ये फिर से हरे भरे हो जाते हैं और अपना जो फल है वो देना शुरू कर देते हैं। तो इस बार ही जो है मिर्ची बहुत छोटी छोटी लगी है, देखो इतनी इतनी सी हो रही है और लाल हो गई हैं, तो इस बार ही पता नहीं क्या हुआ, लेकिन अभी फूल पड़ रहा है इसमें देखो ये, तो आई थिंक और भी मिर्ची इसमें लगेंगी। तो अभी इसको देते हैं पानी, तो मैंने बोर ऑन करा था अपना, तो अभी पानी देंगे। और ये साथ में नींबू का पेड़ है और साथ में दो जो है वो अनार के पेड़ लगे हुए हैं, तो इसमें भी थोड़ी बहुत फसल जो निकल जाती है हमें। और बाकी का जो क्यारियाँ हैं उनमें आपको दिखाएंगे कि क्या क्या बीज रखा है और क्या क्या अभी और बीज ना है इस बारी, तो थोड़ा बहुत पानी यहाँ दे देते हैं और फिर चलते हैं अपने शूज साफ़ करने के लिए। और ये केले का है, तो ये तो पूजा करने के लिए है, वैसे इसके ऊपर केले लगे हुए हैं आजकल वो देखो, लेकिन हम इन्हें उतारते नहीं है वैसे। मतलब ये जो पेड़ हमने लगाया था, ये लगाया था मतलब बाइक ने लगाया था राधा ने, तो पूजा करने के लिए, तो फिलहाल तो हम इससे कुछ भी फ्रूट उतारते नहीं हैं। और लगे बड़े ज़्यादा हैं इस पर ही, एक वहाँ लगाया, एक वहाँ लगा हुआ है, वहाँ बीच में देख सकते हो आप, मतलब गोप्रो में वही दिक्कत है कि जूम नहीं हो पाता है। और ये लगे हुए हैं अनार, और अनार में भी धीरे धीरे जो मतलब अनार बनना अब शुरू हो गए हैं, तो काफ़ी बड़े बड़े अनार जो हैं इसमें लगते हैं, वो भी आपको मैं दिखाऊँगा जब ये तैयार हो जाएंगे। में जो लगने वाली सब्जी है दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा था कि मेरे को पता नहीं क्यों बोलते हैं शायद इसको हम अपनी लोकल लैंग्वेज में, तो ऐसी ऐसी फलियां लगती हैं इसमें, देखो आप देख सकते हो ये वाली फलियां, बस इन्हीं की जो सब्जी होती है वो बनती है। दोस्तों एक बात बताता हूँ, अभी मैंने बात नोट करी कि मतलब जो हमारा यहाँ पर बोर लगा हुआ है, मोटर लगी हुई है पानी की ना, उसमें देखो एक हैंडल ये लगा है ना, एक हैंडल ये लगा है मतलब बंद करने का, और एक हैंडल ये लगा है, मतलब ये ज़्यादा जो हैंडल है वो धूप में रहता है, इसको भी एक टाइम पे मतलब छांव आ जाएगी, इसको तो ऑलमोस्ट छांव ही रहती है, तो मतलब इसका कलर नहीं गया और इन दोनों का कलर जो वो जा चुका है, तो ये लॉजिक मेरे को समझ नहीं आया है। सभी मतलब एक ही ब्रांड के हैं मतलब, पर पता नहीं आई थिंक क्या ही चक्कर है ये। और ये देखो घुस गए अंदर, एक घंटा जूतों को धोने के बाद भी दोस्तों, मतलब इसमें जो ये नए वाले लिए हैं ना मैंने रेड टेप के, तो इसमें ये चीज़ जो है यहाँ पे जो मैल फंस जा रही है ना वो नहीं निकल पा रही, मतलब इस लाइन में, मतलब ये तो मतलब बेकार निकले बिल्कुल ही जूते ना। इससे पहले मेरे पास ये तेरी वॉक वाले, मतलब अभी भी जान है तो जहान है इनमें, तो ज़्यादातर घर पे यही यूज़ करता हूँ, लेकिन ये दूसरे वाले तो भाई बिल्कुल ही पैसा बर्बाद है रेड टेप में। सोचा था अच्छे निकलेंगे लेकिन मतलब ये गंद नहीं साफ़ हो रहा, तो मतलब ये वाइट तो और बेकार लगने पहनने में। पिछले दिन के ब्लॉग में दोस्तों मैंने आपको जो है ये फूल दिखाया था, इसमें एक दो फूल खिले थे, तो एक ही दिन में देखो कितने सारे और गुलाब खिल चुके हैं, और अभी ये वाले जो खिलना बाकी हैं, तो थोड़े दिनों में ये पूरा फूल मतलब गुलाब है, ये फूलों से ज़्यादा भर जाएगा और पत्ते इसमें कम लगेंगे, तो ऐसा जैसा ये पेड़ है मतलब ये साल में एक ही बार जो है फूल देता है, लेकिन देखने में मस्त। भी टाइम हो गया अपनी हॉट सीट की तरफ चलने का, मतलब कुछ जो काम है वो सारा निपटाएंगे और फिर मिलते हैं आपको शाम के टाइम पे। तो शाम के टाइम आज भी कोशिश करेंगे कहीं नई जगह पे घूमने चलने का, या फिर वहीं जाएंगे तो कुछ और नया आपको दिखाने की कोशिश करेंगे।
तो मिलते हैं आपको शाम में, बने रहें ब्लॉग में साथ। तो दोस्तों सुबह से जो शाम हो चुकी है, अभी शाम के जो 5 बजने वाले हैं और थोड़ी देर में हम निकलेंगे गांव भ्रमण के लिए, मतलब जो डेली का हमारा रूटीन रहता है शाम का। तो उससे पहले एक दो काम है घर पे, वो निपटा लेते हैं। सुबह सुबह मैं क्यारियों में पानी दे रहा था तो मैंने देखा कि हमारे यहाँ पे जो है एक बैंगन का पेड़ है, तो ये देखो, तो इसमें मतलब थोड़े बहुत बैंगन जो है पुराने लगे हैं और नए नए भी फूल आ रहे हैं। तो इसके लिए पानी के लिए यहाँ पे जगह बनाएंगे थोड़ी सी कि पानी इसमें रुकता रहेगा। और अभी जो है मतलब छोटे भाई ने पानी लगाया है इसमें, मतलब जो ये क्यारी है इसकी लहसुन की, तो इसको थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था कि मतलब इसको जो ऊपर से फोल्ड कर दिया है, तो फोल्ड मैंने पता किया था कि ये फोल्ड क्यों करते हैं, बोलते हैं कि फोल्ड करने से जो है मतलब जो लहसुन की गठियाँ निकलती हैं ना वो बड़ी बड़ी हो जाती हैं, मतलब जो इसमें रस होता है ना वो सारा जो लहसुन के बीच में चला जाता है। तो ऐसी ऐसी मतलब पीछे से चली आ रही मतलब वही है कि खेती प्रणाली है, तो वैसे ही अभी चल रहा है। अभी थोड़े देर पानी देंगे इसमें और फिर वहाँ पे करेंगे खुदाई और फिर चलते हैं गांव भ्रमण के लिए। तो अभी जो था दोस्तों मैं आया था छत के ऊपर इसलिए आया था कि मतलब सुबह जो जूते डाले थे मैंने उनको देखने आया था कि सूख गए हैं कि नहीं, क्योंकि अभी जाने का टाइम भी हो चुका है और आजकल जो है कुछ दिनों से धौलाधार की पहाड़ियां जो वो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही, मतलब उस साइड जो है वो धुंध ही पड़ी रहती है। तो दोस्तों ये हमारा गेहूँ का खेत और थोड़े दिनों में आप देख ही रहे हो कि इसका रंग जो है वो धीरे धीरे पीला हो रहा है और कुछ इस तरफ भी हर तरफ जो आजकल लोगों ने गेहूँ बीज रखी है। तो आई थिंक ऐसे ही धूप रही तो 10-15 दिनों में जो है ये कटाई का काम शुरू हो जाएगा। और यहाँ से जो है वो कुछ ऐसा दिखता है मेरा घर, ये सामने हमारा घर है, ये गौशाला है, उसके परली तरफ जो है हमारा पुराना घर है। और अभी जा रहे हैं वहीं पे गांव भ्रमण के लिए। आपको रास्ते में हर जगह मतलब आजकल जो है ऐसे ऐसे शहतूत के पेड़ जो मिलते रहेंगे और अब ये धीरे धीरे जो पकना शुरू हो गए हैं, तो अभी खाते हैं शहतूत और चलते हैं फिर। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, थोड़े दिन पहले मेरे चैनल के ऊपर एक वीडियो आई थी कचनार के फूलों की, मतलब क्या उनसे बनता है वो सारी डिटेल जो आपको उसमें मिल जाएगी। लेकिन उस टाइम जो था दोस्तों कि मैंने उस वीडियो में बताया था कि हम वो फूल लेने के लिए गए थे 5-6 किलोमीटर दूर, क्योंकि हमारी तरफ जो था उस टाइम फूल निकले नहीं थे और क्या रीज़न था वो भी मैंने वीडियो में पूरा बताया हुआ है। लेकिन आजकल जो है अभी वीडियो में आप देखोगे कि हमारी तरफ भी वो कचनार के फूल जो वो खिल चुके हैं, तो मतलब यहाँ पे टाइम लग गया कम से कम 2 वीक या 3 वीक पहले वो वीडियो मैंने डाली थी, तो अभी यहाँ पे भी वो चीज़ देखने को आपको मिल जाएगी। यहीं रास्ते में जो है दोस्तों एक पानी का मतलब बावड़ी है हमारे यहाँ पे, पानी का नेचुरल सोर्स बोलते हैं इसको। तो पहले उसमें काफ़ी पानी होता था लेकिन अभी तो कुछ टाइम से जो है वो भर ही नहीं रही है, तो मतलब पानी बाहर नहीं निकल रहा इसका, तो फिर वो ख़राब हो जाता है। और यहाँ पे मेंढक देखो आप कितने बड़े बड़े हैं। अभी एक और बड़ा बताता हूँ, मतलब इनका जो बॉस है वो इधर है, वो भाग गया नीचे, तो अभी इनका ही मतलब रहन बसेरा हो चुका है ये, तो यही रहते हैं बेचारे। अभी इसमें इस पानी का यूज़ तो होता नहीं और थोड़े दिनों में यहाँ पे भी मतलब इस पीपल, ये भी एक मतलब पहाड़ी देवता मानते हैं हम, पीपल के जो पेड़ होते हैं उनको, यहाँ पे भी जो है भंडारा किया जाएगा, इस जगह पे जो है भंडारा किया जाता है और यहाँ पे खाना खिलाया जाता है। तो थोड़े टाइम में वो भी आपको मेरे चैनल पर एक वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो इस मौसम में जो दोस्तों आपको तरह तरह के फूल जो है वो खिले हुए मिल जाएंगे, मतलब ये झाड़ियों के ऊपर खिले हुए फूल हैं। तो घर से 5-10 मिनट चलने के बाद दोस्तों हम वहीं पे पहुंच चुके हैं, तो ये काफ़ी सुंदर सी जगह है दोस्तों और काफ़ी खुला सा एक मैदान है। यहाँ पे जो है अभी लोग इकट्ठा होने शुरू हो जाएंगे फिर से कि वॉक करने के लिए। और ये यहाँ पर आप देख ही रहे हो कि एक दादाजी हैं जो लकड़ी इकट्ठे कर रहे हैं और इनकी उम्र होगी आई थिंक 90+, लेकिन फिर भी काम करे जा रहे हैं। और यहाँ पर कितनी हरियाली है, धीरे धीरे जो मतलब मैदान है दोस्तों ये घास से भर जाएंगे, मतलब लंबी लंबी घास हो जाती है, तो उस टाइम पे तो नहीं लोग आते हैं, लेकिन जब तक ये घास छोटी है तब तक लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते रहेंगे।
तो मैं अभी थोड़ा बहुत जो कैमरे मतलब फ़ोन से जूम करने की कोशिश करूँगा। आपको पता ही है GoPro में जूम नहीं होता है। तो ये दो औरतें जो है यहाँ से इतने दूर से जो घास ले जाती हैं और यहाँ से चढ़ के वो उस गांव में जाएंगी सामने वाले में। तो ऐसी टफ़ लाइफ है दोस्तों पहाड़ों में। नेचर के नज़ारे तो आपको मिलते रहेंगे दोस्तों, लेकिन यहाँ पे जीना जो है वो अभी भी बहुत ज़्यादा टफ है, ऐसा नहीं है। मेरे साथ जो मतलब डॉग्स आए हैं वो वहीं बैठे हुए हैं और एक जो है वो वॉक कर रहा है, मतलब देखना भी मतलब पूरा राउंड करके ऐसे ऐसे घूम के आ जाएगा, और एक बैठा हुआ है और अपने भाई अभी तक आए नहीं है तो वेट कर रहा हूँ उनका। क्या पता आज भी फिर वो दूसरी तरफ चले गए हों, तो अभी फ़ोन करके पता करते हैं भाइयों से। दोस्तों जब तक अपने भाई लोग आएँगे तब तक हम चलते हैं नीचे खड़ की ओर, देखते हैं कुछ देखने को मिलता है वहाँ पर भी। कुछ आवाज़ आ रही थी इधर से, पता नहीं, देखो। और इस डॉग को कुछ मिल चुका है और यहाँ और ये लड़ाई आई, अब क्या है क्या नहीं है। आई थिंक जंगली मुर्गे टाइप हैं कुछ, और दूसरा भी आ गया। अब पकड़े तो नहीं जाते हैं ऐसे तो इजीली, पर पता नहीं जिसकी आई होगी भाई वह मरेगा। वो देखो 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 भाई, वाई वाई भाई भाई भाई, और इनको नहीं मिली भाई। मतलब बोला था ना कि मतलब जिसकी ज़िंदगी बचेगी वो बच ही जाएगी, तो फाइनली जो वो उड़ के चला गया। और आई थिंक उसको बोलते हैं कोल सर कि ऐसी जैसी कोई चीज़ बोलते हैं, वो चीज़ उड़ के गई यहाँ से। तो ये दोस्तों वो फूल, मतलब नीचे तो आप इग्नोर करो, ये मतलब जब नदी चढ़ के आती है तो ये गंद वगैरह फंस के आना यहाँ पे। और ऊपर से तो बड़ा ही प्यारा लग रहा था दोस्तों दूर से, लेकिन नज़दीक से वैसा ही है। तो कितने सुंदर फूल जो है यहाँ पे लगे हुए हैं। तो अपने भाई लोग जो हैं दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था कि यहाँ लोग जो वॉक करने के लिए आते हैं, तो ये भी चक्कर लगा रहे हैं ग्राउंड का थोड़ा बहुत, इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे, फिर यहाँ से घूमने के लिए फिर से निकल पड़ेंगे किसी और जगह के लिए। आप की चक्कर आ ले बच्चे की चक्कर हो या इन्हें बोला अंशु तुम्हें प्यारा साढ़े पाँच बजे आंदा यार। लाइन बड़ी लंबी, एक दो तीन, तीन पीछे और चौथा ही हो रहा था। हम पूरा दिखता रहे कौन जहा मतलब रिजेक्ट होने, बस अंशु बार तो दोस्तों पहला रन रहा चुप हो गए। हाँ तू बैठी जाना हूं। अच्छा लिखवा क्या क्या पहले दस लाए सुबह बार दो आज क्या बब्बर शेर चुप बब्बर शेर ऐसे बब्बर शेर दी दस पहले ही लगाई नहीं ये बब्बर सुनार की होने क्या ए यार बॉच 300 ये बॉच 300 के मतलब ये कड़ी 300 दी यहाँ पे मैराथन में तीन चक्कर लगा दिए हैं, तो सारे हमारे से हार चुके हैं, तो लाइक कर देना। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। 1 मिलियन के करीब पहुँचा देना आपको, हम iPhone 14 Pro Max देंगे। सच बात है, हम इतने अमीर हैं। ऐसा लगा मेरा मजाक। नहीं एक्सरसाइज है मुक्का ही आज, मतलब ये मन बोला है आज ही, मतलब ताड़ फाड़ आज ही, बॉडी मतलब जो भी कमी आज ही पूरी करी नहीं थोड़े भाई, हाइट भी सेहत भी है ना। दिखाओ हमको रोहित भाई अपने बताएंगे, क्लैप पुशअप बता रहे हैं ये, तो देखते हैं भाई। चलो देखते हैं भाई फिर जोश भाई बजाएगा अगले जिम ट्रेनर। ओ भाई साहब, ओ भाई एक बारी बना नहीं रही क्या बनाना तू उन टीम बननी थी बढ़िया दिखने वाला विनिंग टीम बनाई दोस्तों। देखा IPL शुरू हुई है इस टाइम,
चली पिया सिस्टम होना। ये करोड़पति बन चुके हैं इनके मतलब कल पे आगा तो मुझे मतलब अगले ब्लॉग का मुझे पता लगना कि रोहित भाई नोट गिना इतने बैठे ने कहना बस चल रहा दौर सारा बोले सारा थुक मुकी आना इतने नोट आने हूँ बस चलना प्रोग्राम। बैकग्राउंड बड़ी बड़ी आ रही दोस्तों मतलब इतनी सनसैट हो साइड आप मतलब कल भी इतनी रहा है ने अपने आज 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 दिन नवे कैंडिडेट आगे मिल ही चुके सुबू ये बोल्ट मुझे उस दिन आई वो वपरी कैंडल। हेलो गाइस, हेलो दोस्तों, स्वागत है। मैं करता अमन भाई मैं करता इस रखवाना